नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल आज की वीडियो में हम आपको बनाने वाले दिखाने वाले हैं एम श्योर आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं सब लोग जानते ही होंगे आफ्टर के जी एफ टू जो हमने वीडियो बनाई थी वो इतनी वायरल हुई उसके बाद आ, बना रहे हैं हम अर्जुन जी को जो कि पुष्पा मूवी से है तो यहाँ पर एक डॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल कोई भी डॉल ले सकते हैं पुरानी डॉल भी ले सकते हैं नई डॉल जिससे बनाना हो वो ले सकते हैं क्योंकि पूरा मेक ओवर कर रहे हैं तो हमें बाल भी निकालने होंगे हाँ अगर आपकी डॉल का ऑलरेडी ब्लैक कलर है पर फिर भी आपको निकालने पड़ेंगे तो अब हम स्किन कलर कर रहे हैं इसमें अब स्किन कलर ये हमने घर पर ही बनाया है अगर आपको देखना है कैसे बनाते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं तो हम इसमें दो कोट करने वाले हैं पहले थोड़ा लाइट कर ले हैं और फिर हल्का सा डार्क भी कर देंगे क्योंकि कैरेक्टर थोड़ा सा डार्क दिखाया हुआ है आप डायरेक्टली डार्क भी कर सकते हैं अब जब तक वो ड्राई हो रहा है तब तक हम यहाँ पर बना रहे हैं वेक तो मैंने क्यों कहा था कि बाल आपको फिर भी निकालने पड़ेंगे उसका रीज़न यही था कि जो कैरेक्टर के जो हेयर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल के हैं तो उसके लिए हमें बनाना ही पड़ेगा तो एक स्टिक ले ली है और एक पर्टिकुलर लेंथ के हम यहाँ पर स्ट्रेंट्स ले लेते हैं एक ही साइज़ के सारे स्ट्रेंट्स को हम इस तरीके से नॉट्स बांध देंगे अब इसमें ग्लू लगा लेंगे कोई भी वाइट पी वे ग्लू लगा सकते हैं ये ड्राई होने के बाद डिसअपेयर हो जाएगा बस इसे ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे तब तक देखिए हमारी ड्राई जो डॉल है वो भी ड्राई हो चुकी है अब हमने क्या किया कैरेक्टर को देख कर पेंसिल से आइज एंड आईब्रोज एंड हेयर्स शेप वो सब कुछ पहले कर दी है अब यहाँ पर देखिए मैं सिंपल बॉल पेन का इस्तेमाल कर, कर रही हूँ कोई पेन ब्रश नहीं है पेन ब्रश हो तो आप उससे कर सकते हैं तो बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आउटलाइन पहले कर ली है अब इनको धीरे धीरे पेंट कर लेंगे जो भी इनसाइड फिल करने वाली है छोटी छोटी मोटी डिटेल्स फेस में वो सारी चीज़ें हम थिन पेंट ब्रश से कर लेंगे फ्रेंड्स डॉल से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई है अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या सबसे पहला जो कमेंट है उसमें हमने लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है तो देखिए अब हमारे हेयर्स जो है सारे वो भी ड्राई हो चुके हैं अब हम इसको बंच में कट कर लेंगे जैसे भी हमें बनाना है उस तरीके से और यहाँ पर हम ग्लू ले लेंगे और ग्लू के साथ हम बस इसे हेयर्स को सेट करते जाएंगे जैसे कैरेक्टर में दिखाए गए हैं हम उसी तरीके से यहाँ पर चिपकाने की पूरी कोशिश करेंगे जो, जो आपको बड़े दिख रहे हैं उसकी परवाह मत कीजिए क्योंकि एक बार हमारे जो हेयर्स बन जाएंगे तो हम उसे ट्रिम कर देंगे तो छोटे भी कर देंगे बस इस तरीके से थोड़ा हेयर स्टाइल का ध्यान रखना है कि वही लुक आए थोड़ा मुश्किल होता है बट इट्स ओके यहाँ पर ट्रिम कर देंगे थोड़ा थोड़ा बस काफ़ी कुछ हमारा लुक आ ही गया है अब बनानी है हमें दाढ़ी वाला पार्ट तो उसके लिए भी हम यही जो ऊन है उसके पीसेस जो बच गए थे जो हमने ट्रिम किए थे उसी को ही यहाँ पर हम लगाकर फिर यहाँ पर ट्रिम कर देंगे तो काफ़ी हद तक देखिए हमारी बन चुकी है दाढ़ी भी अब बना रहे हैं धोती तो धोती देखिए कलर हमने काफ़ी कोशिश करके ये ढूंढ का ये कपड़ा ढूंढा है बट इसमें स्टिल रेड कलर नहीं था बट हम उसके जुगाड़ करने वाले हैं तो आप देखिए धोती इस तरीके से भी कर सकते हैं बट उससे पहले क्योंकि मैंने आपको बोला इसमें रेड कलर नहीं है तो मैंने स्केच पेन से इसमें रेड कलर कर लिया तो जुगाड़ बन गया ना अब मेरे पास इस कलर का कपड़ा भी नहीं था बस एक ओल्ड टी शर्ट पड़ी थी जिसको हमने कट करके यहाँ पर टी शर्ट ये शर्ट बनाने वाले हैं और अंदर एक नेकलेस भी है तो बॉलचिन का इस्तेमाल करके यहाँ पर पहना रहे हम अब ये ड्रेस को देखिए हमने यहाँ पर कट कर देंगे नेक पार्ट कट कर देंगे इस तरीके से और स्लीव्स को भी अलग से साइड से हम कट कर देंगे तो ये बहुत ही सिंपल वे है तो बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं और ज़्यादातर काम हम यहाँ पर स्टिच uh, करके नहीं स्टिक करके कर रहे हैं बट अगर आपको स्टिच करके करना है तो आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि जल्दी हो जाता है तो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं और हर कोई स्टिच नहीं कर सकता है तो इसलिए इजी रहता है और इससे आपकी डॉल ख़राब नहीं होती क्योंकि हमने इसके ऊपर पेंट किया हुआ है तो जब आप इसे निकालोगे ड्रेस को तो वो पेंट के साथ निकल जाएगा तो आपकी डॉल बिल्कुल ठीक रहेगी तो अब देखिए धोती को हमने कैरेक्टर की तरह बिल्कुल ऊपर इस तरीके से स्टिक कर दिया है और बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर ऐसे स्टिक कर देंगे अब बेल्ट जो है हमने पेपर का इस्तेमाल किया आप फॉर्म शीट का या कोई कपड़ा भी ले सकते हैं ब्लैक कलर का और यहाँ पर हम इस तरीके से पीछे की ओर ले जाकर उसे भी सेट कर देंगे सेट मीन्स उसे चिपका देंगे तो ये हाथ में जो ये देखिए धोती पकड़ी हुई है तो यहाँ पर हाथ में चिपका देंगे और थोड़ा सा जो बक्कल रहता है बेल्ट का उसको हमने पेंट कर दिया है वाइट कलर से कर सकते हैं या सिल्वर कलर से और वॉच दिखाई गई है एक हाथ में तो वो वॉच भी हम बना देते हैं तो यहाँ पर बनाकर हमने सेम कप पेपर से इसे चिपका दिया है अब एक स्टॉल रहता है गर्दन के ऊपर उसके ऊपर देखिए हमारे पास तो प्लेन कपड़ा था अब जो गार्ड कर रहे हैं तो फिर हमने इसके ऊपर पेंट कर दिया वाइट और ब्लैक कलर से और हाथ में एक कड़ा दिखा दिया है तो इस तरीके से हमारे ये देखिए पुष्पा कैरेक्टर बनकर तैयार हो गए हैं आप ज़रूर बताइएगा कि आपने ये मूवी देखी है या नहीं और आपने देखी है तो आपको कैसी लगी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केफ वॉचिंग टेक केयर बाय बाय